हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्स हैं जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल पेपर में क्वेश्चंस इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन एज इट इज ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रूफ डैट 10, 20, 10, 40, 10, 80 ये सभी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, प्रोडक्ट रूल किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक का। इसको हम ए बी फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो लगाकर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 10, 20, 10, 40, 10, 80। तो प्रोडक्ट में जो ए बी फॉर्मूला होते हैं वो तो होते हैं सिर्फ साइन और कॉस के। आपने भी मेरी वीडियो देख ली और आप बोलोगे सर साइन और कॉस के ही होते हैं, और तो आपने बताया ही नहीं। सिकंड का ऑपोजिट बता दिया, कॉस का ऑपोजिट सिकंड होता है, और आपने उसका सिकंड का बता दिया साइन का ऑपोजिट होता है, बट आपने टेन का तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया, ए बी फॉर्मूला। हाँ, मैंने बोला था कि आपको साइन और कॉस के ही होते हैं। तो हमने हम टेन को साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं। ये भी आपको पता ही है कि साइन ओवर कॉस क्या होता है, हमारा टेन होता है। तो इसका मतलब हम टेन को साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर यही कर रहा हूं, यहां पर साइन ए, तो यहां आ जाएगा साइन 20 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस 20 डिग्री, क्योंकि यहां पर ए हमारा 20 है। अब ये क्या आ जाएगा, साइन 40 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस 40 डिग्री। आगे क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा साइन 80 डिग्री, और नीचे क्या आएगा, कॉस 80 डिग्री। और ये हमारे पास ये ऊपर वाली क्या सीरीज बन गई, साइन, और नीचे वाली क्या बन गई, कॉस। तो साइन कॉस की सीरीज बन गई है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप वन और टाइप टू में बताया है। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन, ये सबसे अगर डिफिकल्ट पेपर डालना हो एग्जामिनर ने, तो जो टेन वाला क्वेश्चन ही डालेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन सीरीज भी लग रही है और कॉस भी सीरीज भी लग रही है। यहाँ से जजमेंट हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स है उसको कितना पेपर आता है, उसको कितना मतलब कितने वे से उसको फॉर्मूले आते हैं। तो इसलिए वो एग्जामिनर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन वो ये टेन और कॉट वाले ही होते हैं, वो डाल देगा। तो देखते हैं, अब हमने इसको क्या मान लेना है, ये हमारी जो सीरीज है, जो साइन वाली सीरीज है, इसको हम वन मान लेंगे। अगर वन मानना चाहते हो तो वन मान लीजिए आप, इसको वन मान लो, और इसको हम टू मान लेते हैं, और नीचे वाली सीरीज को हम थर्ड मान लेते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब हम पहले किसको कर रहे हैं, साइन 20, साइन 40 और साइन 80। तो कौन सी है ये इक्वेशन, टू। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन टू, मीन्स हम पहले इक्वेशन ऊपर वाले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, अब ये साइन 20 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां पर फिर से मैंने बोला था कि ये साइन 80 है और ये 40 है, तो साइन 80 जो है वो आगे आ जाएगा और साइन 40 जो है वो पीछे लिख देंगे। अब ये यहां पर हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो हमने यहां पर यही लगाना है, पर हमें चाहिए क्या, टू। तो हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इस पे हम फॉर्मूला जो है वो ये अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 20 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा प्लस, अगर कॉस ए माइनस बी करेंगे, मींस ये बन जाएगा कॉस 80 में से 40 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बन जाएगा ये, और यहां पर हमारा ब्रैकेट आ जाएगा, ये कॉस 40 बन जाएगा, और माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 120 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस,
अब कॉस 120 क्या होता है, मैंने काफी बार बताया इसकी वैल्यू 1/2 आपने याद रखनी है, तो ये आपने याद ही रखनी है इसकी वैल्यू, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब ये इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस जो है 40 आगे लिख देंगे और जो साइन 20 है वो पीछे लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू आपने हायर रखनी है और सेकंड वैल्यू आपने लोअर रखनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1/2, तो 2 और 2 ये बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 1/4, साथ में आ जाएगा साइन 20 डिग्री, तो ऐसे आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर से ये दो चीजें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, साथ में आ जाएगा cos 40 sin 20 डिग्री प्लस 1/4 sin 20 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। अब इसका ये क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा b, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला गया 2 cos a sin b, तो ये सिंपल है, ये डिफरेंट है साइन और कॉस, तो साइन और कॉस डिफरेंट होंगे तो क्या आएगा, सेम होंगे तो कॉस आएगा, डिफरेंट होंगे तो साइन आएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये इसका आंसर आएगा। अब इसको ये अप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 60, 40 प्लस 20 60 डिग्री माइनस साइन, इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 20 डिग्री और 1/4 साइन 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 साइन 60 डिग्री, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा साइन 1/4 प्लस ये क्या है हमारा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रहने दे सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने किसका आंसर निकाला साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री का निकाला है और साइन किसका था ये साइन 40 और साइन 80, साइन 10 डिग्री साइन 40 और साइन 80 डिग्री इसका आंसर हमने निकाल दिया है, मींस 50% जो सम है तो यहां पर हमारा है 20 डिग्री, तो ये 50% जो सम है वो हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है, हमने सेकंड जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हमने थर्ड जो मैंने माना था उसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में हमने क्या किया था, हमने इसको कॉस माना था, तो ये था बेसिकली कॉस 20 डिग्री, ठीक है, यही था हमारे पास कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से वही बात है, सबसे क्या है इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा cos 20 डिग्री, अब हम सबसे पहले बड़ा रखेंगे cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री, और अब यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें 2 चाहिए, 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 यहां पे डिवाइड कर देंगे, तो अब यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a 2 cos a cos b, इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये बन जाएगा एक बार cos प्लस होता है सेम होगा तो cos ही आएगा, एक बार प्लस होता है एक बार हमने माइनस करना है तो साथ में cos ही आएगा, ये मैंने आपको बताया फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा 1/2 cos 20 डिग्री, अब एक बार प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा cos 80 प्लस 40 120 डिग्री आएगा, प्लस एक बार माइनस करेंगे तो cos 40 डिग्री आ जाएगा।
अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस वन बाय फोर कॉस 20 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या थी बेसिकली, ये प्लस है 1/2 कॉस 20 डिग्री। अब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस 1/2 कॉस 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, अब इजी है, अब हमने जस्ट इसका बस आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 साइन, सॉरी ये साइन नहीं है, ये क्या है हमारा कॉस। तो ये आएगा 1/4 कॉस 20 डिग्री। इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और साथ में क्या आएगा 1/2, और ये पे यहां पर आएगा कॉस 40 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। तो डिग्री यहां पर भी है, आपने लिखनी है साथ में डिग्री, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कॉस वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 कॉस 20 डिग्री। अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर एक बार प्लस करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, एक बार माइनस करेंगे प्लस, एक बार माइनस करेंगे तो ये कॉस 20 डिग्री ही बन जाएगा। अब इसको आगे क्या करेंगे, आगे सिंपल है, आगे 1/4 कॉस 20 डिग्री और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 कॉस 60 डिग्री और यहां पर आएगा 1/4 कॉस 20 डिग्री, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 60 क्या होता है 1/2, तो ये बन जाएगा 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। मींस हमने इसको कैसे, क्या इसका है कॉस 20 डिग्री, कॉस आगे क्या था हमारा 40 डिग्री, देख लेते हैं एक बार, 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8। तो अब हमने इन दोनों की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले का आंसर क्या था हमारा, तो ये क्या था हमारा tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था बेसिकली sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री, ये लिखा था। और नीचे क्या लिखा था, नीचे हमने लिखा था cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू हमने क्या निकाली, पहले की वैल्यू निकाली हमने √3/8 और दूसरी कितनी निकाली 1/8, ये और ये कट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा √3/1। तो ये हमने निकाल लिया आंसर √tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, ठीक है, और tan हमारा 80 डिग्री। ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है √3 के इक्वल। तो इतना थोड़ा सा ये काफी उससे बड़ा सम था, बट एग्जामिनर तब डालता है अगर उसने डिफिकल्ट पेपर डालना हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।